फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी का वेडिंग चूड़ा का रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। फ्रेंड्स आज मैं मेरे जो शादी का चूड़ा है उसका रिव्यू करने जा रही हूँ, आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि वो चूड़ा मैंने कहाँ से लिया था एंड उसकी क्वालिटी कैसी थी। तो फ्रेंड्स इंडियन वेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूड़ा, और काफ़ी सारे जैसे कि पंजाबी हो, राजपूत हो, काफ़ी सारी कम्युनिटी में चूड़ा पहना जाता है एंड सवा महीने तक ये चूड़ा रहता है। जिस दिन शादी होती है उस दिन से लेकर सवा महीने तक चूड़ा पहना जाता है। जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है तो ये सवा महीने तक मेरे हाथ में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो चूड़ा है ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, ऑनलाइन परचेस किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग जो इनकी शादी होने वाली है या फिर किसी को शौक है ऐसे चूड़े वूड़े का चूड़ा पहनने का, तो मैं ये रिव्यू उनके लिए कर रही हूँ। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो, या फिर अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके रिलेशन में किसी की शादी होने वाली है और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं या फिर आपके आप जहाँ रहते हो वहाँ में इतना अच्छा चूड़ा नहीं मिलता, तो आप डेफिनेटली इस चूड़ा को परचेस कर सकते हो अमेजोन से। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो चूड़ा है ये मैंने सिंगल पहना है, इसका इतना ही एक और था जो इतना तक में आ रहा था, जिसको मैं पूरा जो चूड़ा आया था उसका मैं साइड में आपको क्लिप डाल दूंगी तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा पूरा बड़ा सारा आया था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना पहना है, इतना नहीं पहना है, इतना और है लेकिन मैंने नहीं पहना था बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल इतना ही हो रहा था, मैं इतना ज्यादा नहीं पहनना चाहती थी। तो अगर आप पूरा हाथ भरा हुआ चूड़ा पहनना चाहते हो तो इसका पूरा पहन सकते हो, दोनों हाथों के लिए बराबर आया था लेकिन मैंने हाफ पहना है, पूरा नहीं पहना है। एंड इनकी जो क्वालिटी है वो भी स्टोन वगैरह जो भी स्टोन्स इनमें लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुंदन लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं, कोई भी स्टोन निकला नहीं है। एंड मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है और पानी लगने पर इसका कोई भी कलर नहीं गया है, जैसे कि काफ़ी सारे प्लास्टिक के चूड़े होते हैं तो उनका कलर निकल जाता है। और ये जो है इसका जो मटेरियल है लाख नहीं है, कांच नहीं है, इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक है, इसका कोई भी कलर नहीं निकला, आप देख सकते हो बिल्कुल भी कलर में कोई डिफेक्ट नहीं आया है, ना इसके स्टोन्स निकले हैं ना कलर में कोई डिफेक्ट है। तो ये वाला जो चूड़ा है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे एंड बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं है या फिर थोड़े दिन के बाद में कुछ स्टोन निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसको पहने हुए मुझे मेरी वेडिंग 22 अप्रैल को हुई थी तो 22 से मैंने पहना हुआ है एंड आज एक मई हो गए, तो मैंने पानी में काम किया है एंड कुकिंग की है तो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन ये जो चूड़ा है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, कलर कहीं से भी नहीं निकला है, जैसा था वैसा का वैसा है, ना कहीं से स्टोन निकला है ना कोई डैमेज हुआ है। तो क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है एंड मैंने जो है मेरा साइज लिया था 28। आप जब शादी का चूड़ा लो तो ऑलवेज जो है एक साइज बड़ी लीजिए, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है चूड़ा पहनने की, तो अगर आप एक साइज बड़ी लोगे तो जब भी आप इसको निकालोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा एंड आपके हाथ में ज़्यादा चिपका हुआ नहीं रहेगा, बिकॉज ये गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में चूड़ा चिपकता है तो और ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि हमको हैबिट नहीं है। जिनको हैबिट होती है फिर किसी को पसंद है तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकता है, लेकिन मैंने 2.8 लिया है इसका साइज, वैसे 2.6 आ जाता है बट मैंने 2.8 जानबूझ के बढ़ा लिया है ताकि इसको जब भी मैं निकालूं तो आराम से निकल जाए, कोई क्रीम या किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे जो चूड़ा है ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके रिलेशन में फ्रेंड्स में किसी की शादी होने वाली है तो आप डेफिनेटली ये जो चूड़ा है ये उनको रिकमेंड कर सकते हो या फिर गिफ्ट कर सकते हो। वैसे तो चूड़ा मामा के यहाँ से ही आता है तो आपके लिए भी आसानी होगी। एंड इस चूड़ा को मैंने ओनली 1300 रुपीज़ में परचेस किया था अमेजोन से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया, प्राइस जो है वो भी अफोर्डेबल थी, ऐसे नहीं कि हाई प्राइस थी। इसी चूड़े का अगर मार्केट में आप अगर किसी अच्छी शॉप में या फिर किसी मार्केट में जाते हो तो इनका भी प्राइस ज़्यादा होता है, तो ये वाला जो चूड़ा है आप चाहो तो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वेडिंग चूड़े का रिव्यू एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो अपने शौक के लिए पहनने के लिए या किसी की वेडिंग के लिए तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा चूड़ा आपको मिल जाएगा एंड बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स चिल्ड्रेन बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।